दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ सीपीएम की तेज तर्रार और युवा नेता जो पिछली बार नंदीग्राम से सीपीएम के प्रत्याशी भी थी, वो इस समय मौजूद हैं। उदयपुर के बारामती इलाके में आई हुई हैं और यहाँ जो है एक चुनाव प्रचार है, एक सभा आयोजित की गई है कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में। कितने दिनों से आप आई हैं यहाँ? ये तो हम लोगों का बगल वाला स्टेट है, तो यहाँ पर युवा फ्रंट के काम के लिए आना जाना लगा रहता है। हाँ, इलेक्शन पर्पस में है अभी कोई कुछ दिन। अच्छा, अभी आपने जो देखा, जहाँ जहाँ दौरा की है, क्या मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं? क्या लगा कि इस सवाल पर जो है जनता दलित है या इस पर वोट करेगी? देश भर का जो मुद्दा है त्रिपुरा का वही मुद्दा है, रोजगार के मामले में ये मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार और त्रिपुरा का, ये जो डबल इंजन का नहीं डबल मुख्यमंत्री का सरकार है, ये सरकार फेल है। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर ये रोजगार का सवाल है, देश को आगे ले जाने का सवाल है, देश का जीडीपी को बढ़ाने का सवाल है, तो रोजगार का ही सवाल है और पूरा त्रिपुरा का भविष्य ये लोग काली अंधेरी घने में वो लोग डाल दिए हैं, उसी को उजाले की तरफ ले जाने के लिए प्रयास है हम लोगों का। ये 5 साल सत्ता रही है तो जनता का क्या, आपने नफ्स देखी होगी, जनता से बातचीत हो रही होगी आपकी, क्या कहना, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है आपके सामने सरकार को लेकर के? बहुत दिक्कत में है। सबसे पहला तो जनवाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं। लास्ट यहाँ पर जो नगर निगम का चुनाव हुए हैं, एडीसी का चुनाव हुए हैं, वहाँ पर वोट, अपना वोट नहीं दे पाए। लेकिन हम लोगों का सवाल है कि जब मानिक सरकार का सरकार थी यहाँ पर, तब तो जनवाद था। जनवाद अगर नहीं रहता तो भाजपा का सरकार कैसे आता? तो सरकार पर आकर संविधान पर हाथ रखकर ओथ लेने वाला पार्टी ये जनवाद के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? जनता आज इसी सवाल पर डटे हैं और भाजपा को ये करना उचित है कि बाइक लेकर इधर उधर दौड़ना नहीं है। जनता के घर में जाओ ना, पूछो ना बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं। पाताखोरी, नशीला पदार्थ, घर का सामान बेचकर खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं? जवाब मिल जाएगा उसको। यहाँ त्रिपुरा मोथरा जो है एक मेजर फोर्स के तौर पर इमर्ज कर रही है, जो तस्वीर बन रही है इसमें एक ट्रायंगुलर फाइट की तस्वीर बन रही है। ऐसे में नहीं लगता कि जो कांग्रेस और सीपीएम के रास्ते में जो अलायंस है उसका, उसके रास्ते में बाधक बन सकता है मेजॉरिटी के रास्ते में? देखिए, यहाँ पर संघर्ष है एक जनता के खिलाफ सरकार के, सरकार उसके खिलाफ पूरा त्रिपुरा, चाहे वो वाम कांग्रेस हो चाहे वो त्रिपुरा मोथा हो। युवा, जनता, बेरोजगार नौजवान इस बार फैसला करेगा कि सरकार में कौन रहेगा। रोजगार का सवाल है तो सरकार बाएं महाज और कांग्रेस का जोट अलायंस का सरकार। मीनाक्षी जी, एक थोड़ा एक कड़ा सवाल भी हो सकता है अपने तरीके से। मैं देख रहा था हमले हुए हैं सीपीएम के दफ्तरों पर, मैं मंडिया गया था, अभी रास्ते में एक दफ्तर मुझे मिला, वहाँ भी इसी अरुंधतिपुर कुछ करके इलाका था, वहाँ हमला हुआ, 7 बार वहाँ दफ्तर पर हमला हुआ। लोग जानना चाहते हैं बाहर की, इतनी मजबूत पार्टी थी और 20 साल तक लगातार एक मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले सरकार रही, बावजूद इसके उस तरह का रेजिस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पाई पार्टी और हमले लगातार होते रहे? ऐसी क्या मीडिया है तो आपसे यही पूछना है कि आप डेमोक्रेसी का 4th पिलर का एक पिलर हो। हाँ, पार्टी अपना मतादर्श का प्रचार करते हैं, उस प्रचार को करने के बाद जनता उसके पास आते हैं, वोट देता है, वो जनवाद के ऊपर एक स्टेट को परिचालना करते हैं, तब कोई भी दुष्कर्म हो, कोई भी असामाजिक काम हो, उसको रोकता कौन है? जनता, पार्टी कौन रोकता है? सरकार, सरकार नहीं, पुलिस रोकता है, कानून रोकता है, संविधान रोकता है, शासन रोकता है। त्रिपुरा में 5 साल में भाजपा का पार्टी ये पुलिस को काम करने क्यों नहीं दिया? अरे किसी रेपिस्ट को अगर जनता घेर कर मारे ना तो वो भी मॉब लिंचिंग ही कहा जाता है कि कानून हाथ में मत लीजिए। तो त्रिपुरा में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ का गुंडा कानून हाथ में लिया और जिसके हाथ में कानून होना था, कानून का डंडा होना था, कानून का किताब होना था, कानून का पिस्तौल होना था, वो लोग क्यों कानून को जेब में भर के और पुलिस स्टेशन में बैठे और जनता का टैक्स का पैसा वो लोग खाए? सवाल उन लोगों से पूछिए कि क्या हुआ त्रिपुरा में, क्यों हुआ, जनता क्यों रेजिस्ट करेगी? इलेक्शन कमीशन का इतना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जूते से लेकर उनका खाना तक जनता का पैसा से आता है और जब वोट लूटा जाएगा तो जनता रेजिस्ट करेगा, तो ये लोग क्यों है? लेकिन मीनाक्षी जी, कहा जाता है कि
जिस तरह की पार्टी है बीजेपी और संगठन उसके साथ आरएसएस है, एक फासिस्ट टेंडेंसी उसके अंदर रहती है, ऐसे मौके पे जनता को खड़ा नहीं, ऐसा फासिस्ट टेंडेंसी का सब पार्टी अगर है, अगर जनता बोल रहा है और मीडिया अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो सरकार को कानून के मुताबिक इस फैसिस्ट सरकार को त्रिपुरा से विदाई जनाना पड़ेगा, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन, पैरामिलिट्री फोर्स और यहाँ का पुलिस फोर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जनता एकजुट हो गए। एक आखिरी सवाल, क्या तस्वीर बनती हुई अगर आपसे पूछें? सरकार बाम और बाई महाज और कांग्रेस का जो अलायंस का सरकार है, वही सरकार होगा। कितनी सीटें आ जाएंगी करीब? जितना सीट होने पर सरकार गठन हो जाएगी, सरकार होगी और जनता का सरकार होगी, होगी जनता का पढ़ने पे मोथा से भी, त्रिपुरा मोथा से भी समझौता, सीपीआईएम और कांग्रेस उस बात पर वो लोग विचार विमर्श करेंगे। सरकार जनता का होगी, सरकार भाजपा का नहीं होगी। चलिए एक सवाल आपसे कर लेते हैं, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्या माना जाए, जीत रहे हैं आप? हाँ, 100% जीत रहा हूँ, 100% जीत रहा हूँ। पूरे सूबे में कांग्रेस को 13 सीटें अलायंस में आई हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी? 13 सीट में हमारा ख्याल से 11-12 सीट तो आएगा ही, 100% कंफर्म सीट है हमारी, 11-12 दे रहे हैं। हाँ, 100%, क्योंकि लोग इकट्ठा हो गया ना, त्रिपुरा का लोग इकट्ठा हो गया ये बीजेपी को हटाने के लिए। अच्छा, हम 100% कंफर्म है। पूरे आपकी स्थानीय स्तर पे भी गोलबंदी दिख रही है आपके पक्ष में? हाँ, क्योंकि लोग त्रिपुरा का लोग ना ये 5 ईयर्स में ना पूरा बैकफुट में चला गया है, तो इसलिए अभी जनता पूरा इकट्ठा हो गया है और सिंगल टारगेट है हमारा बीजेपी को हटाओ, और कुछ टारगेट नहीं है हमारा। नहीं, कहा जा रहा है कि वोट देने से मना कर डरा रही सरकार जो है, जिस तरह से आतंक क्रिएट कर रही है अपने कैडर्स के जरिए, लोग वोट देने आएंगे? हाँ, जनता इस बार ग्रुप करके या जो एरिया है एरियो वाइज ग्रुप करके वोट देंगे आएंगे। जनता हम लोगों को बोल रहे है, हम लोगों को जनता खुद बोल रहे कि हम लोग इकट्ठा होकर वोट देने जाएंगे इस बार। शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। तो मीनाक्षी जी, आपका भी शुक्रिया। आप देखे, कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस है, लोकल प्रत्याशी हैं, और मीनाक्षी जी आप लोगों से एक ही बात है जी। अगर जनता बोल रहे हैं कि बीजेपी का कैडर लोगों से जनता को तकलीफ है, जनता को यहाँ प्रॉब्लम है, जनवाद 16 तारीख को यहाँ ठीक नहीं रहेगा, तो इसके खिलाफ जनता का जिम्मेदारी है या पुलिस, इलेक्शन कमीशन और पैरामिलिट्री फोर्स का जिम्मेदारी है और सरकार का, इस विषय पर बात कीजिए। बड़ा सवाल है मीनाक्षी उठा रही हैं, जो बीजेपी लगता है नहीं सुनना चाहती, सरकार नहीं सुनना चाहती, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है? और ये बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है, जनता के सामने है, और इस सवाल को जरूर इसका हल ढूंढना चाहिए। हाँ, उदयपुर से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।